तो कुछ इस टाइप के आर्टिकल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे हाइजा ब्रांड में आके आप। जो ये स्टोर है कमला नगर में नॉर्थ दिल्ली में सिचुएटेड है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ। जिशान भाई का ये ब्रांड है बिलोज के नाम से, जो हैंडमेड कस्टमाइज लेदर प्रोडक्ट्स, चाहे आप उसमें बेल्ट ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, जैकेट ले सकते हैं, ये सारी सारी चीजें अवेलेबल होगी यहाँ पर। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं नवाब जट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं कमला नगर मार्केट में, यहाँ पर एक स्टोर है हाइजा के नाम से, इसके ऊपर मैं एक और पुरानी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ के ओनर है जिशान भाई। तो कैसे है जिशान भाई आप? तो ये जिशान भाई है, बहुत लोगों ने इनको पुरानी वाली वीडियो में देखा होगा। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, आप अपनी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जिशान भाई, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको कुछ आप बताइए ब्रांड के बारे में। हाय, माय नेम इज जिशान खान और ये हमारा ब्रांड है हाइजा। हाइजा हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2016 में, और उसके बाद में हम लोगों ने मेनली स्टार्ट किया शूज के लिए। तो हम लोग का मेन जो बिजनेस है वो है कस्टमाइज, हैंडमेड कस्टमाइज लेदर शूज के लिए। और अब इसके लिए एक हम लोगों ने नया ब्रांड बनाया बिलोच, जिसमें सिर्फ शूज और लेदर स्टफ्स होते हैं, जैकेट्स, बेल्ट्स, बैग्स और शूज, वॉलेट्स भी, जैसे बता रहे हैं कि वो भी हैंडमेड कस्टमाइज। दिल्ली के अंदर ऐसा ब्रांड है कि जो कस्टमाइज बना रहा है, वो भी प्रीमियम सेगमेंट के एकदम प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, प्रीमियम आर्टिकल्स। सबसे बेस्ट पार्ट है कि एज पर योर पॉकेट, आपको पॉकेट फ्रेंडली बहुत ही ऑर्डिनरी प्राइस रेंज में आपको एक कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। यानी कि यू कैन चेंज, यू कैन क्रिएट योर ओन डिजाइन, आप अपने डिजाइन खुद बना सकते, बता सकते हैं, हमें सिर्फ बताइए और हम आपके लिए बनाएंगे। यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड वी विल मेक इट फॉर यू। भैया से बात करी तो भैया, पहली आर्टिकल क्या दिखाने वाले हैं आज हमारे व्यूअर्स को? अभी हम लेदर की बात करी तो लेदर जैकेट में मैं आपको दिखाता हूँ, इम्पोर्टेड में अभी फिलहाल तो हमारे पास इम्पोर्टेड है। ठीक है, वैसे हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर लगा हुआ है और अंदर से प्रॉपर्ली फर में बनी हुई है, जिपिंग इस तरह के स्टाइल में। अपना कोई भी डिजाइन आप लेकर आइए, सेम डिजाइन आपका बन जाएगा। अगर कोई कोई मतलब चाहते हैं कि जिनको कस्टमाइज में चाहिए होता है, कॉलर भी कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, कफ्स भी ऐसे चाहिए होते हैं, तो आप ये भी कस्टमाइज करते हैं? कोई भी डिजाइन आपको, जिपिंग इस तरह की चाहिए, डिफरेंट जिप चाहिए, पॉकेट्स डिफरेंट डिजाइन चाहिए, या फिर आपको जैसे ये इस तरह क्रॉस है, इसमें बैक पर डिजाइन चाहिए, कोई भी लेदर जैकेट में, लेदर स्टफ में, एक्चुअली शूज, बेल्ट्स, बैग्स, जैकेट्स, किसी भी चीज में कोई भी डिजाइन आप कस्टमाइज करवा सकते हैं हमसे। जैसे आप ये बता रहे हैं इम्पोर्टेड वाली है, तो इम्पोर्टेड वाली जैकेट का क्या प्राइस है और आप कस्टमाइज जो करते हैं उसका क्या प्राइस है? ये इम्पोर्टेड का तो इसका 3,000 to 4,500 पे डिपेंड करता है जो भी आर्टिकल, ये हमारे पास में 3,000 रुपीज का है। वैसे कस्टमाइजेशन जो है वो 7,500 तक पहुंचता है हमारा। और स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है कस्टमाइज जैकेट की? 5,500 का, लेकिन वो प्योर लेदर, उसमें शीप लेदर, अच्छे फाइनेस्ट क्वालिटी का लेदर ही यूज किया जाता है हम लोग यहाँ। ठीक है, कोई रेसिन या अच्छा इन अंदर लाइनिंग भी हम लोग सबसे बेस्ट लाइनिंग जो इम्पोर्टेड होती है अपनी कस्टमाइजेशन में वही लगाते हैं। जैसे इसमें तो फर लगा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह एक लाइनिंग होती है जो हम लोग लगाते हैं साटन में या फिर इम्पोर्टेड फैब्रिक का, अपनी कस्टमाइजेशन की हुई लेदर जैकेट में। अगर जैकेट में उस तरह का हम लोग फैब्रिक लगाते हैं। अब जैसे हम लोग जैकेट के बारे में बात कर रहे थे, सीजन के स्टार्टिंग में ही है मोस्टली, 4 साल से हम लोग फिटेड एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया का ही, उनके ही हम लोग आर्टिकल्स यूज करते हैं स्पेशली फॉर विंटर, बेस्ट ब्रांड है। इनकी प्राइस रेंज थोड़ी सी ज्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने पहना हुआ अभी, ये फिटेड का ही जैकेट है। ठीक है, इसकी फिटिंग देख सकते हैं, बहुत स्मार्ट फिट आती है। ये इंडियन ब्रांड है या इंडियन ब्रांड है? इंडियन ब्रांड है, हाँ इंडियन ब्रांड है, लेकिन कंपेरेटिवली ब्रांड के कंपेरेटिवली मैंने कंपेयर किया तो बहुत अच्छा है, प्राइस रेंज में भी अच्छा है और क्वालिटी तो जवाब नहीं। जैसे ये बॉम्बर जैकेट है इनकी, सी हम सिर्फ और सिर्फ फिटेड का ही स्टॉक सेल करते हैं स्पेशली विंटर कलेक्शन के लिए। तो क्या प्राइसिंग रेंज रहती है ऐसे जैकेट्स की? जैकेट्स की इनका 3,200 to 4,000, अभी जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है 4,000 तक है। 2,200 ये जो मैंने पहना हुआ है स्लिम में, हाँ स्लिम फिट चाइनीज कॉलर, ओके शॉर्ट लेंथ में, बेस्ट बेस्ट फिटिंग। इसके बाद जो मेन हमारा काम है वो मेन है शूज को लेकर के। अभी जैसे ये डिजाइन, ये हम लोगों ने कस्टमर के लिए कस्टमाइज किया हुआ है, ये कस्टमाइज शूज है किसी मतलब कस्टमर का? कस्टमर का, ठीक है। ये स्वेट लेदर का बना हुआ है, प्योर स्वेट लेदर का, जिसके अंदर टीपीआर सोल लगा हुआ है, नॉन स्लिपरी, वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल सोल, ये देख सकते हैं। ये प्योर हैंडमेड शूज है, ये कंप्लीटली हैंडमेड है, कोई मशीन हुआ कुछ नहीं है इसमें, ओके इसमें पूरा हाथ कर। तो अगर ऐसे कुछ शूज की बात करी जाए तो क्या इसकी स्टार्टिंग रेंज रहती है? वैली से लेकर के वैली लोफर, लेसेस, बूट्स,
तो जो हमारी स्टार्टिंग है वो 1800 टू 5500। अगर टाइम की बात करी जाए तो कितना टाइम लग जाता है कि अगर किसी को अगर अपना शूज कस्टमाइज करवाना है तो कितने टाइम में आप मतलब वो वाला आर्टिकल रेडी करके दे देते हैं कस्टमर्स को? एक्चुअली चॉइस पे डिपेंड करता है कि कुछ डिजाइन्स पे डिपेंड करता है, कुछ लोग अपना बहुत ही डिफरेंट डिजाइन देना चाहते हैं क्योंकि कस्टमाइज हो रहा है तो वो चाहते हैं कि हम फुल्ली कस्टमाइज करवा लें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करवा लें। तो नॉर्मली हमारा एक हफ्ते से लेकर 15 दिन का टाइम लगता ही लगता है। जैसे अभी ये चेल्सी बूट्स में आपको मैं दिखाता हूँ रेंज, इसमें कलर्स बहुत है, वेरिएशंस इतनी है कलर्स की कि कोई लिमिट नहीं है, आप कलर्स चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी जैसे अभी ये देख सकते हैं ये सब स्वेट लेदर में और सॉफ्ट लेदर में चेल्सी बूट रखा है। यहाँ पर भी आप देखिए, अच्छा ये एक ये चेल्सी बूट है, ये देखिए ये ओरिजिनल स्किन पे उसमें बना हुआ है, ये पैटर्न नहीं है मतलब ओरिजिनल लेदर पैटर्न है हमारे पास में, वो पैटर्न अलग है। आप देख सकते हैं ये पैटर्न पे बना हुआ है और ये ओरिजिनल स्किन पे बना हुआ है। कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं और लेदर भी यूज करते हैं, उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि कौन सा लेदर यूज करना है। किसी को सॉफ्ट चाहिए होता है, किसी को काफ लेदर चाहिए होता है जो पॉलिश फ्री होता है, किसी को बहुत शाइनी पार्टी वेयर टक्सीडोज वगैरह पे पहनने के लिए चाहिए होता है, वो पेटेंट लेदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस हैं लेदर चूज करने के, डिजाइन चूज करने के और परफेक्ट साइज अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग, उसमें कोई कमी नहीं होती। जैसे मैंने अभी सुना भी था कि लाइक आप मतलब फीट का साइज लेते हैं और शूज का साइज नहीं लेते कस्टमाइज करने के लिए, क्या होता है हर सबके ब्रांड वाइज, जैसे यूके साइज यूएस साइज में फर्क होता है, इंडियन साइज में फर्क होता है, कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं कि मेरा साइज ये है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि पुराने तरीके से उसको प्रॉपर पेपर पे साइज लिया जाता है ताकि फर्क ना पैदा हो, छोटा बड़ा ना हो, पूरा मतलब कंफर्टेबल शूज हो। जैसे मतलब कोई कोई कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जिनको मतलब लेदर से थोड़ी एलर्जी होती है, मगर तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं कि अगर इनर सोल में क्या काम कर मतलब यूज होता है, यूज करते हैं फिर अंदर उसके अंदर फॉर्म यूज करते हैं, डायरेक्ट लेदर नहीं लगाते हैं क्योंकि शूज के बारे में ये है कि यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर शूज, सबसे एक डेलिकेटेड पार्ट है आपका पैरों के लिए शूज का, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग पूछते हैं कस्टमर से कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले ही बता दें। बूट के बाद में जैसे ये पिशावरी है, ये एथनिक वियर है, पार्टी वियर में जो लोग यूज करते हैं, ये भी प्रॉपर हाथ की बनी हुई है, हैंडमेड है, ये अपने ब्रांड पे लोग काम करके बनाते हैं। बिलोच जी, बिलोच ये बैंग लोफर है, ये भी प्रॉपर लाइनिंग में इसमें अंदर लेदर मिलेगा आपको, अपर भी इसका सारा लेदर मिलेगा और ये पूरे अपनी ही सोल पे काम किए हुए। इसकी एक साल से 1.5 साल तक की इसमें गारंटी होती है। और ये जो आपने पहले वाले मतलब बताए बूट्स, उसमें कितने टाइम की वारंटी रहती है? उसमें 1.5 साल 2 साल कस्टमर पहन के जाते हैं, वो बोलते हैं आकर के हम तोड़ना चाह रहे हैं, टूट नहीं रहे, बोर हो गए, जैसे वुडलैंड के माना जाता है कि मतलब टूटते नहीं सालों साल। अब वो बोलते हैं कस्टमर, पिछले 5 साल में हमारा यही फीडबैक है, कस्टमर्स बोलते हैं यार कैसे शूज दिए टूट नहीं रहे, प्लीज कुछ और डिजाइन दे दो, वो इतने मजबूर हो गए घर पर भी वो रख रहे थे, वो बोलते हैं हमारे पास बहुत कलेक्शन हो गया, बट स्टिल कुछ लोफर शूज की जैसे कस्टमाइज करवाते हैं कोई कोई कस्टमर्स आके। अगर लेसेस शूज की बात करी जाए, जैसे हम लोगों ने बात की अभी बूट के बारे में, फिर उसके बाद में पिशावरी के बारे में, फिर उसके बाद में लोफर्स के बारे में, अभी मेन जो कैटेगरी है वो है लेसेस की। ये देखिए, ये जो किसी भी आप कंपनी में किसी भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो जो इसकी थिकनेस है सोल की, वो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने अपने सोल को कस्टमाइज करके बनाया हुआ है, ये अपना ही ब्रांड पे बनाया हुआ है। तो इसमें ये है, सी द फिनिशिंग ऑफ द शूज, ये प्रॉपर लेसेस में ज्यादातर सॉफ्ट लेदर यूज होता है और उसके बाद में काफ लेदर यूज होता है जो कि पॉलिश फ्री होता है, जैसे ये शूज है और ये ब्लैक शूज है, सी इसमें ज्यादा शाइनिंग नहीं रहती है और मैट फिनिशिंग भी नहीं होता है। इसके बाद में जो ज्यादा शाइनिंग में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, फिर उसके बाद में डिजाइन आता है पेटेंट लेदर का, वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग शूज, ये देखिए ऑक्सफोर्ड कलेक्शन, तो ये पेटेंट में, ये काफ में है और ये मैट फिनिशिंग में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेदर वी यूज फॉर लेसेस एंड लोफर्स बैलीज एंड बूट्स। तो इसका भी मतलब प्रोसेसिंग टाइम सेम ही रहता है मतलब बनाने का, या कुछ डिफरेंट हो जाता है इसका? सी जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल, जो टॉप सेलिंग और हाई सेलिंग आर्टिकल्स होते हैं उसको हमें अपने पास में स्टॉक में रखना पड़ता है। अब कुछ डिफरेंट डिजाइन लेसेस में ज्यादा होता नहीं है क्योंकि ये मोस्टली पार्टी वियर और ऑफिस फॉर्मल वियर पे आते हैं, तो हम अपने स्टॉक में रखते हैं इसमें, तो इसमें टाइम की जरूरत होती है। अगर इनकेस अगर हमें कस्टमाइज करना भी पड़ता है लेसेस में, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर दे देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर प्रॉपर मतलब शूज लेसेस मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसकी अगर लेसेस की प्राइसिंग की बात करी जाए तो क्या इसका प्राइस रहता है? सी इसमें भी जैसे मैंने लेदर की वेरिएशंस के बारे में बताया, तो इसमें स्टार्ट हमारा 2200 से हो जाता है, ठीक है, और इट गोज टू 4500, दैट डिपेंड्स ऑन लेदर एंड अपर। लोफर्स में ऐसा नहीं कि आपको प्लेन ही चलेगा,
जैसे ये बेली है, इसमें ये देखिए ये डिजाइन है, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो काफ लेदर विच इज पॉलिश फ्री एंड ऑलमोस्ट वॉशेबल लेदर। इसको आप गीले कपड़े से किसी से भी क्लीन कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि कोई कोई कहता है कि मतलब रिंकल्स पड़ जाते हैं लेदर के ऊपर। सी रिंकल हर लेदर में आएंगे क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्किन है, रिंकल आएंगे लेकिन फटेंगे नहीं, क्योंकि फटने जो का जो काम होता है वो पीयू रेक्सिन में होता है, लेदर में नहीं होता। जैसे कोई कोई मतलब अगर लोकल ब्रांड्स में जाते हैं वो कहते हैं रिंकल, अगर रिंकल के ऊपर से मतलब उसका लेदर ही पील ऑफ हो गया वो लेदर नहीं हो ही नहीं सकता। अगर किसी में फट रहा है तो वो लेदर नहीं हो सकता, लेदर क्रैक हो सकता है लेकिन वो खराब नहीं होगा। और इसकी भी लाइफ इतनी होती है एटलीस्ट 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद मतलब लेदर आराम से निकाल जाता कोई भी अगर वो आराम से। तो बाकी जीशान भैया का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है कि अगर आपके पास कोई भी मतलब डाउट हो या आपने कोई भी प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन करवानी हो लेदर में, बट स्टिल मार्केट के कंपेरेटिवली बिकॉज एज वी आर मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग अलग ही होती है, हम लोग मिनिमम टू मिनिमम लेके चलते हैं। अच्छे हम कस्टमर को लेदर पहले दिखा देते हैं, उसकी वेरायटी दिखा देते हैं, क्वालिटी दिखा देते हैं कि ये लेदर यूज करने जा रहे हैं हम लोग। हम मैक्सिमम बैग्स में सॉफ्ट लेदर यूज करते हैं, ठीक है, ताकि इसमें हार्ड एंड हैश ना हो, तो उसको कंफर्टेबल भी लगे और थोड़ा लाइट वेट भी रहे। तो जैसे कोई कस्टमर कहता है 1800 2000 से स्टार्ट हो जाता है, और जो छोटे बैग साइजेस होते हैं दैट कम्स फॉर 700 आल्सो। वॉलेट्स भी आप लोग डिजाइन करते हैं या? हाँ, वॉलेट भी कस्टमाइज करते हैं। मैंने कहा ना लेदर होना चाहिए कुछ भी हो इसमें। तो जैसे की बात कही जाए कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि उनको अपने सामने देखना है कि उनका मतलब प्रोडक्ट कैसे आर्टिकल उनका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो ऑप्शन पॉसिबल है उनके लिए? हाँ, वो भी पॉसिबल है अगर जो भी उनका डिजाइन हो रहा है। वैसे हम लोग अपने क्या कस्टमर्स को इंस्टाग्राम पर हमारा बिलो चूज के नाम से पेज है और व्हाट्सएप नीचे फ्लैश कर रहा होगा, आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अपडेट करके रखते हैं कि जैसे अब उसका अपर बनता है, पहले इसका ना ऊपर का पार्ट बनेगा तो मैं कस्टमर से शेयर कर लेता हूँ कि ये लेदर यूज हुआ था, ये अपर बन गया है। फिर उसके बाद में जो पूरा अनफिनिश्ड शूज होता है फिर हम मैं शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद में जो वेल फिनिश्ड होने के बाद में आता है तब हम कस्टमर को ट्रायल के लिए 2-3 दिन पहले बुला लेते हैं। अब मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है जैसे मैंने बताया, अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अर्जेंट बेसिस बनते हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को ही दे देते हैं। तो एकदम इतनी ट्रांसपेरेंसी रह रही है जीशान भैया के उसमें और कस्टमर के बीच में कि हर चीज क्लियरली ही मेंशन होगी कस्टमर को कि उसके क्या प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कौन सा टाइप का लेदर यूज हो रहा है उसमें और कैसे कैसे उसका प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है। तो ये बात करी हमने जीशान भैया से। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।